Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the remaining parts of chapter that we were doing, ACCA F4 Contract Law. Guys, first thing and foremost thing, I'm really sorry that I wasn't able to make videos from past 1.5 weeks. Actually, I was not doing well. I was suffering from throat infection, that's why I was not able to speak properly aur main zyada der bol bhi nahi pata tha. तो बट स्टिल आई नो कि मैंने बहुत डिले कर दिया है एंड फॉर दैट आई रियली अपोलोजाइज. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो अभी तक आई बिलीव जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ाया है वो सब तुम्हें याद होगा सारी चीज़ें. आज हम उसी के साथ कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे. बेसिकली अब हमें जो पढ़ना है, हमने ये देखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड है, कब नहीं वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कब हम सू केस कर सकते हैं, कब केस नहीं कर सकते, यही सारी चीज़ें हमने टर्म्स में पढ़नी है. ठीक है, तो अब हमारी बीच में एक टर्म आती है इसके बाद, तो दैट इज़ लेटर ऑफ कंफर्ट. अब लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, ठीक है, जैसे ये इंडिया है. आई एम नॉट अ गुड, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल कि ये इंडिया है. ठीक है, एक फॉरेन कंपनी के साथ, ये एक बंदा है जिसकी एक फॉरेन कंपनी है, इसके साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है. ठीक है, तो और हमने इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में, तो लेट्स से हम यहाँ पे हैं, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ करा है, दिस इज़ द सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, तो होता क्या है, लेटर ऑफ कंफर्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के साथ किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया के अंदर कंपनी है उससे करा है, और ये जो इंडिया में कंपनी है दैट इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ दिस फॉरेन कंपनी. तो जिसने F3 पढ़ा हुआ है उसको एक आइडिया होगा व्हाट इज़ सब्सिडरी कंपनी, मतलब उसकी एक ब्रांच इंडिया में है. तो लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है, अगर हमने इंडिया में इस कंपनी बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है तो कंपनी ए जो उसकी होल्डिंग कंपनी है वो हमें एक लेटर ऑफ कंफर्ट देगी कि जितनी भी टर्म्स इसने लिखी हैं वो सारी फुलफ़िल हो जाएंगी. तो दैट इज़ अ कम्फर्ट कि यार अगर पेरेंट कंपनी नहीं, जो होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसने हमें लिख के दे दिया कि इसने जो भी आपको चीज़ें बोली हैं वो फुलफ़िल होंगी ही होंगी, दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ कंफर्ट. तो ऑफन इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स अ लेटर ऑफ कंफर्ट इज़ यूज्ड टू एश्योर अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दैट अ पेरेंट कंपनी विल प्रोवाइड इट्स सब्सिडरी विद द नेसेसरी रिसोर्सेज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर Legally, a letter of comfort does not require parent company to fulfill the obligations incurred by its subsidiary and therefore has no legal effect. तो थ्योरी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि क्या लेटर ऑफ कम्फर्ट का लीगल इफेक्ट होता है, नो, लेटर ऑफ कम्फर्ट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता. वो सिर्फ एक हमें दिलासा दिलाने के लिए होता है कि हाँ हम पूरी कर देंगे, बट वी आर नॉट सेइंग कि होगी ही होगी, नहीं होगा तो आप हमारे पे केस कर दो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स. अब टर्म्स क्या होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देर आर टू पार्टी, दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स लिखी जाती हैं. अब जैसे होता है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे ये सारी टर्म्स हमने लिखी हुई हैं, क्या ये टर्म्स के अगेंस्ट अगर एक भी फुलफ़िल नहीं हो रही हम केस कर सकते हैं, या अगर कोई टर्म लिखी है और और सारी टर्म लिखनी ज़रूरी है या नहीं, किस फॉर्म में टर्म्स लिखनी है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये किस फॉर्म में होना चाहिए, इसके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो देर आर टू थिंग्स, टर्म्स वर्सेज रिप्रेजेंटेशन. एक बार पढ़ते हैं थ्योरी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा. A statement written or oral made during the negotiation leading to a contract may be a term of the contract or merely a representation inducing the contract. मतलब एक होता है terms के terms and condition बन गई कि ये चीज़ें fulfill होंगी, ये नहीं होगा तो contract नहीं माना जाएगा. Representation होता है कि हम चलो ठीक है ये कर देंगे. जैसे for example, representation क्या होता है, for example you are going to buy a mobile, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपको इतना EMI मिलेगा और इतना आपका इंटरेस्ट होगा EMI पे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जिस बंदे ने मोबाइल बेचना है उसने आपको बोला कि चलो हम आपको EMI पे इतना डिस्काउंट दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको कवर फ्री दे देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे. सो दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन इंड्यूसिंग अ कॉन्ट्रैक्ट.
अ रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट इज सेट बाय द ऑफरर इन ऑर्डर टू इंड्यूस द ऑफरी टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट इट मे और मे नॉट बिकम टर्म ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. हो सकता है वो टर्म बने, हो सकता है वो ना बने. ज़रूरी नहीं है. अब मैंने बोला तुम्हारे को कि मैं तुम्हारे को 3000, लेट्स से यू आर बाइंग अ फ़ोन फॉर 1 लाख रुपीज़, तो मैंने बोला कि मैं इसमें तुम्हें 6000 का डिस्काउंट दे दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है. तुमने बोला ठीक है एंड यू सेड कि मुझे मोबाइल लेना है. मैंने बोला ठीक है, अपना HDFC का क्रेडिट कार्ड दो. सारी होगी बात फाइनल, होगी सब कुछ हो गया रेट के, ठीक है फ़ोन लेना है सब ओके. अब HDFC का क्रेडिट कार्ड मैंने बोला, तुमने बोला कि नहीं मेरे पास तो HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है. तो मैंने बोला कि अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम आपको ये डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि ये उसी में वैलिड है. सो पॉइंट इज, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है दैट मे और मे नॉट बिकम अ टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिप्रेजेंटेशन हमारा टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, ठीक है. आगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ अ स्टेटमेंट इज अनट्रू द रेमेडीज अवेलेबल टू द इनोसेंट पार्टी डिफर. मतलब अगर तो एक चीज़ टर्म थी और एक रिप्रेजेंटेशन था तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या वो रिप्रेजेंटेशन था या टर्म थी, बिकॉज दोनों के केस में जो उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है वो डिफरेंट है, ठीक है. सो इफ द रिप्रेजेंटेशन बिकम्स अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने रिप्रेजेंटेशन रखी थी कि हम आपको 6000 का डिस्काउंट देंगे HDFC के क्रेडिट कार्ड पे, और तुम्हारे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड था तो तुम, मैंने बोल दिया कि हाँ मैं दूंगा डिस्काउंट 6000 का. सो अगर वो रिप्रेजेंटेशन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गई, द इनोसेंट पार्टी हैज़ रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ दैट टर्म एज वेल एज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन. कि अगर मान लो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें 6000 का डिस्काउंट दूंगा कि तुम्हारे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड हो, तुमने बोला ठीक है सारी कंडीशंस ओके होगी, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब मैं बिलिंग कराने पे आया तुमने बोला ओहो सर ये तो डिस्काउंट ना एक्चुअली कल तक वैलिड था आज ख़त्म हो गया, आई एम रियली सॉरी सर, तो दैट इन दैट केस तुम रेमेडी ले सकते हो. हालांकि एक्चुअली में रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, बट अगर ये सब रिकॉर्डेड होता, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम रेमेडी ले सकते हो. इफ़ हाउएवर रिप्रेजेंटेशन डज नॉट बिकम अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इनोसेंट पार्टी विल हैव रेमेडीज ओनली फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन विच आर बेस्ड ऑन इक्विटेबल रेमेडीज. ये सेक्शन 11 में हम आगे पढ़ेंगे. ये क्या कहता है कि अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन उन्होंने रखी और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म का नहीं बना, दैट डज नॉट बिकम टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल इन दैट केस इनोसेंट पार्टी के पास रेमेडीज सिर्फ उस चीज़ की हैं जो उसको गलत बताया गया है. अगर हो सकता है ना कोई चीज़ें मिसरिप्रेजेंट कर दी, मोबाइल लेते हुए तुम्हें बोल दिया कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मोबाइल लिया, उसमें तुम्हारे को बोला कि मोबाइल के अंदर हम आपको ये देंगे, साथ में कवर देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, बट जो कवर दिया उन्होंने बड़ा ही सस्ता बेकार सा दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया. सो दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन विच आर बेस्ड ऑन इक्विटेबल रेमेडीज़. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया एक रिप्रेजेंटेशन, अगर टर्म बन गई सॉरी, तो मतलब उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं हम, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी तो हम मिसरिप्रेजेंटेशन का केस कर सकते हैं सिर्फ इक्विटेबल रेमेडीज़ के लिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है. अब आता है सोर्सेज ऑफ टर्म, टर्म के सोर्सेज क्या होते हैं. सो सेम जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, टर्म मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मीन्स रिटन, इम्प्लाइड मीन्स इट्स नॉट रिटन बट इट्स ऑब्वियस. इट्स ऑब्वियस कि ये चीज़ तो है ही है. अगर तुम मार्केट से सामान लेते हो कोई चीज़, तुमने खाने पीने का सामान लिया है, तो इट्स ऑब्वियस कि तुम जो चीज़ लोगे वो हेल्दी हो. अब तुम मार्केट जाके सामान लेके आओ वो एक्सपायर्ड हो, तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना, तुम थोड़ी पूरा वहाँ पे पढ़ने बैठे हो. इट्स ऑब्वियस. हालांकि देखा जाए तो ये गलत है, एज अ बायर तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए, बट अगर तुम कोई चीज़ ले रहे हो और उस पर एक्सपायर्ड चीज़ तुम्हें दी जा रही है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसी का फॉल्ट है वो एक्सपायर्ड चीज़ बेच रहा है, उसको नहीं देनी चाहिए थी वो, ठीक है. तो एक्सप्रेस टर्म्स आर दो स्पेसिफिकली इंसर्टेड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन और बोथ द पार्टीज, दे मस्ट बी क्लियर फॉर देम टू बी इन्फोर्सिबल. मतलब जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखी हुई हैं एक्सप्रेसली, वो बहुत ही क्लियर वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, तभी हम केस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. एग्जाम्पल देखो, केस, एन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर द बैलेंस ऑफ द प्राइस टू बी पेड ऑन हायर परचेज टर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. उसने बोला है
कि जो तुम्हें मेरे को बैलेंस पेमेंट देनी है वो तुम हायर परचेज टर्म पे मुझे दे सकते हो फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब हायर परचेज बेसिकली गाइस, हायर परचेज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने, जस्ट एन एग्जांपल, तुमने एक कार, तुम्हें एक पसंद आई, ठीक है, शोरूम वालों ने बोला कि आप ये कार ले लो, आप हर महीने हमें 40,000 रुपये देते रहो, हर महीने 40,000 आप हमें देते रहो, जिस दिन आप पूरे 4 लाख दे दोगे हमें, उस दिन हमें गाड़ी आपके नाम कर देंगे, अदरवाइज़ कभी भी आप एक कार हमें रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। 40,000 आप यूज़ करते रहो गाड़ी को, एक टाइम आएगा जब आपके 4 लाख जैसे ही हमें हमारे पास आ जाएंगे पूरे, उस टाइम में गाड़ी आपके नाम हो जाएगी और पूरी आपके नाम रजिस्टर हो जाएगी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ लाइक हायर परचेज। तो सेम वे हायर परचेज टर्म्स के अंदर बैलेंस पेमेंट हमें देनी है। अब हायर परचेज की जो टर्म्स होती हैं, देर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स, कोई कॉमन टर्म नहीं होती। हायर परचेज में हर पार्टी का अलग टर्म्स होती हैं, सो इसकी कोई लिमिट नहीं है, देर आर लिमिटलेस। सो दी वर्ड हायर परचेज टर्म्स वर कंसिडर्ड टू इम्प्रिसाइज, मतलब कि कोई प्रिसाइज नहीं है, ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ये तो बहुत ओपन एंडेड है, इसमें तो बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। एज द सेलर हैड रेंज ऑफ सच टर्म्स, सो देयर फोर ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो टर्म है दैट इज टू इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब बहुत ही क्लियर, इम्प्रिसाइज मतलब बहुत ही ओपन एंडेड, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लाइड टर्म्स। इम्प्लाइड टर्म्स आर नॉट एक्सप्रेसली इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट दे आर नेवरदीलेस स्टिल अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दे मे बी इम्प्लाइड बाय स्टेट्यूट और बाय द कोड और रेयरली बाय कस्टम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वॉज इम्प्लाइड टर्म्स सच एज employees duty to obey lawful and reasonable orders. So basically मतलब क्या है, implied terms होता है कि हम contract में लिखते नहीं हैं but they are a part of the contract, and example of that is like जैसे by अगर कोई rule law बना हुआ है या किसी court ने judgment दी हुई है या हमारा जो custom होता है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ होगी, जैसे for example हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है कि जो भी एम्प्लॉई होता है जॉब करते हुए उसको अपनी ड्यूटी अच्छे से लॉफुली पूरी करनी होती है और सारे रीजनेबल ऑर्डर्स मानने होते हैं, तभी तो जॉब पे है ना वो। सो अगर कोई भी चीज़ एम्प्लॉई पूरी नहीं करता, वो ये थोड़ी बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा नहीं था कि मुझे ऑर्डर मानने, क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जॉब के लिखा होता है कि यू हैव टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर, कहीं नहीं लिखा होता, बट दिस इज़ इम्प्लाइड कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, सो दैट इज़ इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। Express terms will generally override implied terms. Implied terms मतलब अगर हमने contract में कोई चीज़ specifically लिख दी तो implied वाली उससे नीचे आती है, मतलब अगर implied एक चीज़ हमें लगता है ऐसी होनी ही चाहिए और हमने specifically लिख दिया तो specifically वाली ज़्यादा valid मानी जाती है, implied वाली नहीं मानी जाती। However, some statutory terms cannot be overridden by express agreement. मतलब for example जैसे मिनिमम वेज रेट है किसी कंट्री में, लेट्स से $15 पर आर, ये मिनिमम वेज रेट है, ठीक है, लेकिन मैंने जब अपने एम्प्लॉई के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया मैंने उसमें लिख दिया $12 per hour, तो दिस इज़ एक्सप्रेस्ड, दिस इज़ इम्प्लाइड। अब हालांकि मैंने बताया था जो एक्सप्रेस्ड होती है वो एम्प्लॉयड से ज़्यादा वैलिड मानी जाती है, लेकिन इम्प्लाइड इस केस में लॉ ने, स्टेट्यूट ने बोला हुआ है कि ये तो मिनिमम है, तो इम्प्लाइड ज़्यादा मानी जाएगी, एक्सप्रेस वैलिड नहीं होगी, ठीक है। हाउएवर सम स्टैट्यूटरी टर्म्स कैन नॉट बी ओवररिडन बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। द सोर्सेज ऑफ टर्म आर समराइज इन द फॉलोइंग डायग्राम। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सिंपल सा है कि या तो जो टर्म होगी वो एक्सप्रेस होगी या फिर इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे हो सकती है, या तो बाय स्टैट्यूट जैसे इक्वल पे एक्ट, या तो कोर्ट ने कोई जजमेंट दी होगी किसी चीज़ के अगेंस्ट, या फिर बाय कस्टम एंड यूजेज जैसे इक्विटी, ठीक है। ये भी डिटेल में हमें नहीं करना, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये है इसका कि सोर्सेज ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होता है और इम्प्लाइड होता है। अब फटाफट से केस करते हैं। देयर वॉज एन एग्रीमेंट बाय वाफ ओनर टू परमिट अ शिप ओनर टू अनलोड हिज शिप एट द वाफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सी शोर है, तो सी शोर एक बंदे का सी शोर है, जैसे ये सी है, जैसे मान लो दिस इज समुंदर, ठीक है, एक बंदे का यहाँ पे सी शोर है जहाँ पे शिप्स वगैरह पार्क होती हैं, जिस कॉल्ड इज वाफ, ठीक है। तो एक बंदे की जो शिप थी, ये शिप थी,
उसने बोला कि मैं शिप यहाँ पे सामान उतार दूँ, इधर सारा सामान उतार दूँ और वहाँ पे पार्क कर लूँ, ठीक है। तो वाफ उन्होंने बोला ठीक है तू वहाँ पे पार्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वही परमिट्स कि तू यहाँ पे पार्क कर ले, जो भी अगर फीस चार्ज करनी थी जो करी होगी। द शिप वॉज डैमेज्ड वेन एट लो टाइड इट वॉज ग्राउंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर ऑफ ऑन अ हार्ड रिज। अब हुआ क्या, ये शिप इसने यहाँ पे पार्क कर दी, तो किसी दिन क्या हुआ कि पानी की जो लहर थी वो काफ़ी नीचे होगी, काफ़ी पानी नीचे चला गया, तो इस वजह से तो ज़मीन थी बहुत, यहाँ पे पत्थर थे बहुत सॉलिड थी और जो शिप थी वो डैमेज हो गई। अब द पॉइंट इज़ क्या जो शिप ओनर है वो इस बंदे से जिसका ये वाफ था क्या इस पे केस कर सकता है। सो हालांकि इसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कुछ भी रिटन एग्रीमेंट नहीं है, बट इट वॉज एन इम्प्लाइड टर्म दो नॉट एक्सप्रेस्ड that ground alongside the wharf was safe at low tide since both parties knew that the ship must rest on it. कि जब मैंने उसको पूछा था उसने कहा था तो ship यहाँ पर rest कर ले, ठीक है। तो अगर वो मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पर rest कर ले, that means ये जगह safe होगी। अब जैसे तुम अगर कहीं घूमने जाओ और वहाँ पर एक जगह पार्किंग हो, ठीक है, तुमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर ली, तुमने गाड़ी पार्क करी, एक घंटे बाद दो घंटे बाद तुम आए, यहाँ इसके शीशे टूट रखे हैं, यहाँ ये हो रखा है, यहाँ वो हो रखा है। सो अगर ये चीज़ हुई है तो तुम पार्किंग वाले बंदे को बोल सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क की है ताकि मेरी गाड़ी सेफ रहे, ठीक है। चोरी वोरी अलग बात है, लेकिन कि पत्थर गिर रहे हैं, लोग शीशे तोड़ रहे हैं, तो यहाँ तो गाड़ी पार्क करने का फ़ायदा नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया, फिर पैसे देने का फ़ायदा क्या हुआ। तो सेम थिंग, हमने जब पार्किंग में आपकी गाड़ी पार्क की थी तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो है यहाँ पे आपको कोई डैमेज होगा नहीं होगा, नथिंग वॉज मैंशन, सिंपल पार्किंग टिकट थी। सो दिस इज़ अ इम्प्लाइड एग्रीमेंट, दिस इज़ अ इम्प्लाइड एग्रीमेंट कि अगर ऐसा हुआ तो आपको पैसे मिलेंगे। हालांकि आजकल बहुत तेज़ बहुत शाणे हो गए लोग, तुम पार्किंग वाले बंदों को देखो तो स्पेशली लिखा होता है पार्क एट योर ओन रिस्क, बड़ा बड़ा लिखा होता है उन्होंने पार्क एट योर ओन रिस्क। इसका मतलब क्या है कि कल को डैमेज हो गया तो तुम्हारा रिस्क है, हम कुछ नहीं करने वाले। फिर कभी उनसे पूछना फिर पैसे किस बात के हैं तुम्हारे, पैसे किस बात के ले रहे हो भाई, कि जब पार्किंग एट योर ओन रिस्क है तो किस बात के पैसे हैं, फिर यहाँ से तो कोई बंदा चोरी करके ले जाएगा, तुम्हारा काम क्या है फिर, हम पैसे क्यों दे तुम्हें। तो चलो एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो ये हमारा एक केस था। अब आता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ टर्म्स। अब टाइप ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस कि ये कंडीशंस पूरी होंगी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, एक होती है वारंटीज और एक होती है इन नॉमिनेट टर्म्स। कंडीशन, वारंटीज एंड इन नॉमिनेट टर्म्स। अब धीरे धीरे एक बार पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के ही लर्न करेंगे इसको। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइप्स ऑफ टर्म इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द रेमेडीज दैट मे बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच। तो पहला है कंडीशन। अ कंडीशन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म गोइंग टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Breach can result in damages or discharge or both. So this is the important point. अगर कोई भी condition contract में लगी हुई है और वो fulfill नहीं हुई तो it can result के तो damage भी देने हैं, contract भी ख़त्म होगा और दोनों भी हो सकता है। Discharge entitles the innocent party to repudiate the contract and claim damages. मतलब contract ख़त्म करके उसके against आप पैसे पूरे ले सकते हो। So that is a कंडीशन की, अगर कंडीशन लगी है और कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई तो पूरा केस हम कर सकते हैं, या तो डिस्चार्ज भी होगा कॉन्ट्रैक्ट का और पैसे भी मिल सकते हैं। फैक्ट्स, सोप्रानो मैडम पोजार्ड अग्रीड टू सिंग इन अ सीरीज ऑफ ऑपराज फॉर स्पायर्स। एक लेडी ने, स्पायर्स कोई कंपनी है, उसको बोला, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी सारी सीरीज़ में गाना गाऊँगी। शी फेल टू अपीयर ऑन द ओपनिंग नाइट एंड स्पायर्स रिफ्यूज हर सर्विसेज फॉर सब्सिक्वेंट नाइट्स। कि ओपनिंग नाइट पे वो लेडी नहीं आई गाना गाने तो स्पायर्स ने आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल कर दिया। द ऑब्लिगेशन टू अपीयर ऑन द ओपनिंग नाइट वॉज अ कंडीशन, कि भाई अगर हम किसी सिंगर को रख रहे हैं तो ओपनिंग नाइट पर तो उसको आना ही है। सो दैट इज़ अ कंडीशन। सो कंडीशन ही अगर फुलफिल नहीं हुई उसका मतलब क्या हुआ कि तुम कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर सकते हो और डैमेजेस भी उससे ले सकते हो। Spires was entitled to treat the contract as at the end and was therefore not himself in breach by refusing her services for the remaining night. कि वो खुद की वजह से नहीं, उस लड़के की वजह से कि जिसने वो वहाँ पर नहीं आई, हम वो contract cancel कर सकते हैं। They can refuse the contract. ठीक है।
देन आता है वारंटीज़। अब वारंटीज़ बेसिकली क्या होता है, कोई भी सामान लेते हो एक साल की वारंटी है ना। सो वारंटी इज़ अ लेस इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ इंसिडेंटल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बना है मोबाइल परचेज सेल करने का, सो वारंटीज़ इज़ अ सेकेंडरी टर्म, इट्स नॉट द मेन टर्म, इट्स अ सेकेंडरी टर्म कि कल को कोई डैमेज हो गया तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी रिजल्ट इन डैमेजेस ओनली, ब्रीच ऑफ वारंटी रिजल्ट इन डैमेजेस ओनली, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने फ़ोन परचेज किया और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और आप कस्टमर सर्विस में गए और कस्टमर सर्विस वालों ने मना कर दिया कि हम तो आपका फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकते, ना हम करेंगे, तो तुम जो तुम्हारा डैमेज हुआ है फ़ोन का वो तुम ले सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि फ़ोन वापस करो और मुझे मेरे पैसे दो, यू कैन नॉट डू दैट। तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म कर सकते। तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो तुम कोर्ट के थ्रू ले सकते हो, लेकिन तुम कोर्ट को ये नहीं बोलोगे कि मुझे तो फ़ोन वापस करना है और वापस करके मेरे को मेरे पैसे दो। सो ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली रिजल्ट इन डैमेजेस, ठीक है, ये पढ़ लेना गाइस। तुम्हें मैंने इसका रिजल्ट बता दिया है, एक बार इसको यहाँ पॉज करके इसको पढ़ लेना। सेम चीज़ है, एक ही उसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आता है इन नॉमिनेट टर्म्स। अब इन नॉमिनेट टर्म्स क्या होते हैं गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। अब आता है इन नॉमिनेट टर्म्स। सो इन नॉमिनेट और indeterminate term is neither a condition nor a warranty. The remedy depends upon effect of the breach. ये हम केस से देखेंगे। तो सबसे पहला होता है if trivial damages only, that is term is treated as if it is warranties. If serious damages, discharge or both in terms treated if it were a condition. So guys, trivial का मतलब basically क्या होता है कि अगर कोई भी term थी जो condition नहीं थी, warranty नहीं थी, बस वैसे ही, जैसे for example तुमने mobile लिया, कोई तुम अब फॉर एग्जांपल यू परचेज्ड सैमसंग के, लेट्स से यू परचेज ईयरबड्स, ठीक है, तुमने ईयरबड्स अप्रॉक्सीमेट लेट्स से 12,000 के परचेज किए, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ईयरबड्स लेते ही 5 दिन बाद तुम्हारा एक ईयरबड चलना बंद हो गया। दो ईयरबड थे, एक चल रहा था और एक चलना बंद हो गया, ठीक है। सो एक ईयरबड 12 दिन में चलना बंद हो गया, ये वारंटी नहीं थी, सोचो इसकी कोई वारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये चलना बंद हो गया सो दैट मीन्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि 12 दिन में चलना बंद हो जाए, सो दैट इज़ सीरियस कंडीशन। तो यहाँ पे डैमेज डिस्चार्ज मे बी हो सकता है। और ट्रिविया क्या हो गया, तुमने जब वो लिया उसमें बहुत ही माइनर सा स्क्रैच था, बहुत ही माइनर सा स्क्रैच था। अब वो माइनर से स्क्रैच के लिए वो तुम्हें थोड़ी बोलेंगे ठीक है कि डैमेजेस ले लो, कुछ ले लो, हो सकता है या माइनर सा स्क्रैच हो वो उसके लिए यू कैन क्लेम डैमेजेस बिकॉज दैट इज़ वेरी मिनिमल, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। तो इसीलिए दैट अगर ट्रिवियल हो तो सिर्फ डैमेज मिलेगा, और अगर सीरियस चीज़ हो तो डैमेजेस भी मिल सकते हैं, डिस्चार्ज और बोथ, ठीक है। ये हमें कंडीशन के बाद केस टू केस पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद समझते हैं क्या है। सिट्रस पल्प पिलेट्स फॉर यूज इन एनिमल फूड हैज़ बीन सोल्ड फॉर दिस पाउंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज प्रोवाइडेड फॉर शिपमेंट टू बी मेड इन गुड कंडीशन, कि जो भी तुम्हारे पास शिपमेंट आएगी वो अच्छी कंडीशन में आएगी। पार्ट ऑफ द गुड हैज़ नॉट बीन सो शिप्ड एंड इन एडिशन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स हैज़ फॉलन एट द डिलीवरी डेट, के पार्ट ऑफ द गुड अभी तक आए नहीं हैं और जो गुड्स हमें आए थे या जो गुड्स हमने लिए थे उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी गिर गई है। The buyer rejected the goods which were later resold pursuant to a court order and eventually reacquired by the original buyer for just £34,000. The buyer then used the goods for originally intended purpose for making cattle food. So हुआ क्या basically, just इसमें एक short सा case क्या हुआ, पहले A और B के अंदर contract हुआ कि हम goods सेल करेंगे इतने रुपये के, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने जब वो गुड्स भेजे, एक तो उसने आधे गुड्स भेजे एग्जांपल, और इसने जो और एकदम से मार्केट में ऐसा फॉल आया कि इन गुड्स की वैल्यू भी काफ़ी कम हो गई, इन गुड्स की वैल्यू भी काफ़ी कम हो गई, तो ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं लेता है कॉन्ट्रैक्ट, कि एक तो वैल्यू भी गिर गई और तुमने मेरे को आधे गुड्स भेजे, और जबकि लिखा होता शिपमेंट इज़ मेड इन गुड कंडीशन कि मुझे साथ ही सारा मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब कोर्ट ने जब इन सामान को दोबारा के बोला कि ठीक है आप दोबारा उस सामान को ले लो, तो इसने बोला कि मैं उसको 34
इसमें लूँगा, 34 pounds में मैं लूँगा। और उसके बाद बायर जो था ए, उसने जब वो गुड्स 34,000 के ले लिए, जिस पर्पज़ के लिए उसने परचेज करने थे वो पर्पज़ यूज़ हो गया। अब आगे, द कोर्ट ऑफ एपिलेट हेल्ड दैट रिजेक्शन वॉज नॉट जस्टिफाइड, द टर्म एज टू द शिपमेंट इन गुड कंडीशन वॉज नीदर अ कंडीशन नॉर अ वारंटी बट अ इननॉमिनेट टर्म्स एंड देर वॉज नो फाइंडिंग दैट द इफेक्ट ऑफ दिस ब्रीच वुड सफिशियंटली सीरियस टू जस्टिफाई द रिजेक्शन। मतलब हुआ क्या कि ए ने जो ये गुड्स रिजेक्ट किए थे, अब बी कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने बोला कि जो ये लिखा हुआ है शिपमेंट टू बी मेड इन अ गुड कंडीशन, ये जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ नॉट सीरियस, दैट इज़ ट्रिवियल, ये ट्रिवियल है, सीरियस नहीं है कि इसकी वजह से तुम कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो। सो देर वॉज नो फाइंडिंग दैट द इफेक्ट ऑफ द ब्रीच वुड सी सफिशियंटली सीरियस टू जस्टिफाई द रिजेक्शन, द बायर सीम टू हैव ट्राई टू रिजेक्ट नॉट बिकॉज द गुड्स वर इम्पेयर्ड बट बिकॉज दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग देम एट अ लोअर रेट। इन दीज सर्कमस्टांसिस देयर ओनली रेमेडी वॉज इन डैमेजेस, जो गुड्स उसने लेट भेजे, दे वर एंटाइटल टू बी डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ डैमेज एंड साउंड गुड्स। सिंपल सा मतलब, जो ये लिखा हुआ था शिपमेंट मेड इन गुड कंडीशन, इसका मतलब इसमें कहीं ये चीज़ क्लियरली नहीं लिखी हुई कि इसी दिन सारा माल आएगा, नहीं आया तो हम कैंसिल कर देंगे। सो इट वॉज अ इन नॉमिनेट टर्म, के जो टर्म है ये इन नॉमिनेट है, इसने पहले कैंसिल कर दिए, सब कुछ हो गया, तो इसका पर्पस ये था, लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ पकड़ ली और कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि भाई ऐसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते, इसने आधे गुड्स भेजे हैं तो आधों वालों में यू कैन क्लेम डैमेजेस कि मेरे को नहीं आया, मेरा जो लॉस हुआ, बट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं तुम कैंसिल कर सकते। तुम देख रहे हो कोर्ट कैसे काम करते हैं, हाउ डज अ कोर्ट वर्क, ठीक है। सो दिस इज अ केस। अब गाइस ये करते हैं अंडरस्टैंडिंग टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। अ कंडीशन इज अ टर्म विच द पार्टीज इंटेंटेड टू बी ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, हाँ कंडीशन तो इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली। अ वारंटी इज अ टर्म विच पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू बी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट। अब वारंटी मैंने बताया था ये मेजर पार्ट नहीं होती, ये एक सेकेंडरी पार्ट होती है, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो एडिशनल सर्विस होती है। इफ अ कंडीशन इज ब्रीच देन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टर्मिनेटेड। गाइज सी इज द आंसर, इट इज इनकरेक्ट। रीजन, इफ अ कंडीशन इज ब्रीच इट मस्ट नॉट बी, मतलब इट्स नॉट कि होगा ही होगा, इट कैन बी टर्मिनेटेड, इट कैन बी डिस्चार्ज, इट कैन डैमेजेस के लिए भी सू कर सकते हैं, लेकिन मस्ट बी का मतलब होता है कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक कंडीशन फुलफिल ना हो इट डज नॉट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो जाएगा, इट कैन बी कैंसिल बट नॉट मस्ट बी। इफ अ वारंटी इज ब्रीच देन द इनोसेंट पार्टी कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इट्स राइट कि अगर कोई वारंटी ब्रीच हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट पार्ट, डी हैज़ ब्रोकन वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद ई लिमिटेड, इफ दैट टर्म इज अ वारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ई मे रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट विद डी, ई कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर डैमेजेस, अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। E limited is entitled to sue for damages only, तो C मुझे आंसर लग रहा है ना, उसमें हमें पता है ना कि अगर वारंटी कोई ब्रीच हुई है तो हम सिर्फ डैमेजेस के लिए सू कर सकते हैं, तो C इज दी आंसर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देन आता है नेक्स्ट पार्ट, एन ऑब्लिगेशन विच दो इट मस्ट बी परफॉर्म्ड इज नॉट सो वाइटल दैट फेलियर टू परफॉर्म इट गोज टू द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज़ अ वारंटी, ये तो सिंपल सी बात है गाइस। अगर एक ऑब्लिगेशन हमें टर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, अगर हमने वो परफॉर्म करनी है, अगर नहीं परफॉर्म करी तो इट्स नॉट वाइटल कि इसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, दैट इज़ वारंटी। अब तुम कैसे इसका आंसर निकालोगे, मैंने कैसे निकाला, मैंने बाकी तीन देखे, तो कंडीशन तो है, एक सेकेंड, ऑब्लिगेशन विच मस्ट बी, अब जैसे यहाँ पे है ना, ऑब्लिगेशन विच दो मस्ट बी परफॉर्म इज नॉट सो वाइटल, इट्स नॉट सो वाइटल कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, तो कंडीशन तो वाइटल होते तो ये तो आंसर होगा नहीं। इन नॉमिनेट टर्म को मैं नो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी दो पार्ट आते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि सीरियस है या नहीं है,
अगर तो सीरियस है तो क्लेम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इननॉमिनेट टर्म हमेशा, इसका मतलब ये नहीं कि खाली डैमेजेस होंगे। और रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन का भी मतलब ये नहीं होता कि इससे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन अगर टर्म बन गई तो ऐसा होगा, नहीं टर्म बनी तो ऐसा होगा। तो वारंटी ही इसमें एक ऐसी चीज़ है कि अगर नहीं फुलफिल हुई तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। देन आता है फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द रेमेडीज ऑफ अ इनोसेंट पार्टी हमें इनकरेक्ट बतानी, गलत है। द रेमेडीज ऑफ द इनोसेंट पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी डिपेंड अपॉन सीरियसनेस ऑफ द ब्रीच। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है। द रेमेडीज ऑफ द इनोसेंट पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ अ वारंटी डिपेंड्स अपॉन सीरियसनेस ऑफ द ब्रीच। नहीं, हमें तो पता है कि जब वारंटी होती है तो हमारे पास एक ही रेमेडी होती है, दैट इज डैमेजेस। ऐसा तो नहीं है ना कि वारंटी बहुत ज़्यादा वाली होगी तो, हाँ डैमेजेस में चेंजेस हो सकते हैं, बट रेमेडीज जो होती है वो तो एक ही है डैमेजेस। तो ऐसा तो नहीं है सीरियसनेस होगी तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आई थिंक ए इज़ रॉन्ग, बाकी आगे भी देखते हैं। द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशंस आर रेपुटेशन एंड डैमेजेस। ये तो सही है कि कैंसिल भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेज भी होगा। द लाइकली रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ अ इननॉमिनेट टर्म कैन नॉट बी असेस्ड एट द आउटसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ये भी सही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो इननॉमिनेट टर्म के लिए होता है वो हम डायरेक्टली ऐसे असेस नहीं कर सकते टिल वी डोंट नो कि वो जो है वाइटल है, इंपॉर्टेंट है या फिर सिंपल है। द रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी इज अ लीगल वन एंड देयरफॉर अवेलेबल एज ऑफ राइट। नहीं, मैंने बताया था ये लीगल नहीं है, जो वारंटी होती है दैट इज सेकेंडरी, कंडीशन जो होती है दैट इज मेन, कंडीशन इज मेन। तो नहीं, एक सेकेंड, द रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ अ वारंटी इज अ लीगल वन एंड देयरफॉर अवेलेबल एज ऑफ अ राइट। हाँ, कि वारंटी जो होती है दैट इज लीगल, अगर वारंटी हम क्लेम कर रहे हैं, वारंटी हमें मिली है और बंदा बाद में मुकर जाए तो दैट इज लीगल, तभी तो हम उसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं ना कि हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो आंसर वुड बी ए, इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है गाइस, अब पढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं गाइस एक्सक्लूजन क्लॉजेस। अब एक्सक्लूजन क्लॉज क्या होता है, एक्सक्लूजन क्लॉज बेसिकली क्या होता है, अगर किसी चीज़ को हमें कॉन्ट्रैक्ट से, कंडीशन से हटाना है कि दिस इज़ नॉट अ कंडीशन या वॉट एवर, अभी डिटेल में इसको पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन क्लॉजेस। के अभी इसको डिटेल में पढ़ के बताते हैं, मैं अभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी जो जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ डिफरेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इज़ प्रीटी डिफरेंट। सो एन एक्सक्लूजन क्लॉज और एग्जम्पशन क्लॉज इज़ अ टर्म दैट सीक्स टू एक्सक्लूड और लिमिट अ पार्टीज लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने मोबाइल परचेज किया, ठीक है, मोबाइल के साथ एक एक्सक्लूजन क्लॉज आता है हर वारंटी के साथ कि अगर इसकी स्क्रीन क्रैक हो जाए, स्क्रीन क्रैक हो जाए या इसमें पानी चला जाए, ठीक है, या अगर तुमने जैसे आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो फ़ोन्स में बैटरी बाहर नहीं निकल सकती, इनबिल्ट बैटरी आ रही है, तो उन इन दैट केस अगर वो फ़ोन तुमने बाहर से कहीं से ओपन करवा लिया, वो फ़ोन खुलवा लिया, तो इसकी वारंटी वहीं ख़त्म हो जाएगी, इसको फिर कंपनी की वारंटी नहीं मिलेगी। कार्स में भी यही चीज़ होती है, हर व्हीकल में भी यही चीज़ होती है कि इफ़ यू बाय अ व्हीकल तो जो कंपनी उसकी फ्री सर्विसेज देती है वो तब तक ही देती है जब तक तुम कंपनी से करा रहे हो। तुमने अगर स्टार्टिंग में ही बाहर से सर्विस करा ली तो उसके बाद उसकी फ्री वारंटी ख़त्म हो जाती है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सक्लूजन क्लॉज। सो कॉमन लॉ रूल्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड एन एक्सक्लूजन क्लॉज मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। फर्स्ट इज इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इट्स वर्डिंग मस्ट कवर द लॉसेस। के एक तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा होना चाहिए और इसकी वर्डिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, इट्स वर्डिंग मस्ट कवर द लॉस, कि अगर ऐसा हुआ तो इतना लॉस आपको देना पड़ेगा। हो सकते हैं ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए। एन एक्सक्लूजन क्लॉज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय सिग्नेचर, नोटिस, प्रीवियस डीलिंग। सो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी थ्रू सिग्नेचर, कैन बी नोटिस, कैन बी प्रीवियस डीलिंग। एक बार ही पढ़ते हैं, इनके केस स्टडीज भी देखते हैं। सो द केस ऑफ दिस एस्टैब्लिश दैट अ क्लॉज इज इनकॉर्पोरेटेड बाय सिग्नेचर
इवन इफ द सिग्नेटरी डिड नॉट रीड और अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर हमने सिग्नेचर कर दिए तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे तुम्हें पता होगा इंडिया में एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, अगर तुमने देखी हो तो उसमें यहाँ पे बहुत छोटा छोटा उन्होंने लिखा हुआ था कि एक्ट ऑफ गॉड के केस के अंदर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। तो वो इतना छोटा था, मेरे को समझ भी नहीं आया नाम, ठीक है मैंने ध्यान में दिया और मैंने साइन मार दिए। तो इन दिस केस ये क्लॉज इस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि मैं साइन करके अग्री कर चुका हूँ, चाहे बहुत छोटा छोटा लिखा था लेकिन आई हैव अग्रीड टू दैट। तो वही बता रहे हैं द केस इज़ इस्टेब्लिश्ड दैट द क्लॉज इज इनकॉर्पोरेटेड बाय सिग्नेचर इवन इफ द सिग्नेटरी डिड नॉट रीड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। सेकेंड, हाउएवर इन दिस सिचुएशन कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद दिस इन विच इट वॉज हेल्ड दैट अ सिग्नेचर डज नॉट इनकॉर्पोरेट द क्लॉज इफ द इफेक्ट ऑफ द टर्म वॉज मिस रिप्रेजेंटेटेड। मतलब अगर अब यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड लिखा था वो तो जेन्युइन था, एक्ट ऑफ गॉड इज जेन्युइन, लेकिन अगर मान लो कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई गलत चीज़ लिखती, समथिंग रॉन्ग, कि ऐसा होगा तो ये कुछ भी हो सकता है, समथिंग रॉन्ग। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ और दूसरा बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो परचेजर के भी साइन चाहिए होते हैं, सेलर के भी साइन चाहिए होते हैं। तो हुआ क्या, अब इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। नॉर्मली ये एक टेम्पलेट होता है जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर डील करते हैं वो पढ़ते भी नहीं है इतना सब कुछ। तो इसमें मैंने छोटा सा एक चीज़ लिखी हुई है कि किसी को पता भी ना चले एज अ सेलर कि अगले 10 सालों तक घर की सारी मेंटेनेंस, सारी बिजली के बिल, नहीं सॉरी परचेजर ने, सोचो ये चीज़ लिख दी परचेजर ने, आई एम अ परचेजर, द अदर पर्सन इज सेलर, मैं परचेजर हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छोटा सा लिखा हुआ है कि अगले 10 सालों तक सेलर विल पे द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द हाउस, सारे घर के खर्चे सेलर पे करेगा। दिस इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत चीज़ है भाई, जब वो सेल कर चुका है अपना तो वो क्यों पे करेगा। बट स्टिल मेरा थोड़ा क्रिमिनल माइंड था, मैंने ये चीज़ क्लॉज में लिख दी, देखो अगर कोई पढ़ लेगा तो ठीक है हटा दूंगा, नहीं पढ़ेगा तो साइन तो हो जाएंगे। तो सेलर ने साइन कर दी, मैंने तो अपने साइन कर दिए, सेलर ने भी साइन कर दी। अब बाद में हुआ क्या, एक दो साल बाद जब घर की मेंटेनेंस देने की बारी आई तो मैंने सेलर को फ़ोन मारा कि यार मेंटेनेंस तो पे करो घर की। तो सेलर ने बोला भाई मैं क्यों पे करूँ, मैं तो तेरे को घर बेच चुका हूँ, मैं क्यों पे करूँ। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो मैंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो हालांकि एग्रीमेंट में वो साइन करा हुआ है उसने इस टर्म पे, लेकिन दिस इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इसके अगेंस्ट दिस इज़ नॉट अ ब्रीच, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत है, तो इसको फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस टू अ वेडिंग ड्रेस वॉज नॉट एक्सक्लूडेड ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लॉज, इसको छोड़ दो, पता नहीं कहाँ से लिखा है, डजेंट मैटर। अब आता है नोटिस, अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है सिग्नेचर, अब आता है नोटिस, फॉर एन एक्सक्लूजन क्लॉज मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड बाय नोटिस, रीजनेबल स्टेप्स मस्ट हैव बीन टेकन टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द अदर पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, वॉट आर रीजनेबल स्टेप्स डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ एक्सक्लूजन है जैसे एक्ट ऑफ गॉड, तो वो चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दूसरे बंदे को बतानी चाहिए थी, मतलब चाहे नोटिस देखे जैसे मर्जी, रीजनेबल स्टेप्स मस्ट हैव बीन टेकन टू ब्रिंग इट टू द अटेंशन ऑफ द अदर पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ ये वाला हमारा क्लॉज है। ठीक है, ये पढ़ लेना गाइज, इसको गिव इट अ प्लेन रीड, केस स्टडीज तुम्हें खुद ही पढ़नी है गाइज। अब देन कम्स प्रीवियस डीलिंग। अब प्रीवियस डीलिंग क्या होता है, फॉर एन एक्सक्लूजन क्लॉज to be incorporated by previous dealing, there must have been a consistent course of dealing with the other parties, मतलब एक पार्टी के साथ हम रेगुलर डील कर रहे हैं, बार बार डील कर रहे हैं, तभी हम कोई एक क्लॉज को एक्सक्लूजन मानेंगे, क्योंकि हर बार इसको एक्सक्लूड करते थे। ऐसा नहीं है कि हम हर डीलिंग में देखेंगे हर बार इसको एक्सक्लूड किया है, तो दिस टाइम ऑल्सो वी आर अज्यूमिंग ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, हर साल एक्सक्लूड करते थे ना, तो इस साल भी इसको एक्सक्लूडेड मानेंगे। इसका एक बार केस देख लेते हैं। The defendant had dealt with the claimant for number of years. On the contract in question, he delivered 4 full barrels for storage.
As usual, he later received the documents which acknowledged the receipt and contained a clause excluding liability for negligence. मतलब काफ़ी सालों से इनकी डीलिंग हो रही है. वो पहले सामान भेज देता है, बाद में वो अपना बिल वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो बाद में भेजता है. ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है. When he came to collect the barrels, he found they were empty. जब वो बैरल लेने आया उसको दिखा कि वो सारे बैरल तो खाली हैं, जबकि पूरे भरे हुए बैरल्स उसने भेजने थे. The exclusion clause has been incorporated into the contract even though it was received after the contract was made. It has been incorporated through the previous course of dealings whereby he had been sent copies of the documents containing the clause even though he had never read them. इसका मतलब क्या है, काफ़ी सालों से डील चल रही थी कि वो हर बार इसको सामान भेजता है, भरे हुए बैरल भेजता है, ये रख लेता है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा होता है, टर्म्स लिखी हुई आती है चीज़ों की. काफ़ी सालों से डील चल रही है, वो तो बिल भेज ही देता है, बाद में कंडीशंस वगैरह सारी भेज देता है. जैसे क्या होता है, अब तुम्हारे पास अगर कोई सामान आए तो उसके साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो तुम कभी नहीं पढ़ते. अब अगर तुम अमेज़ॉन से रेगुलर सामान परचेज कर रहे हो, अमेज़ॉन के टर्म्स एंड कंडीशन हर बार आ रही हैं, तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम सू नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अमेज़ॉन तुम्हें हर बार भेज रहा था, काफ़ी सालों से भेजता आ रहा है. सो दैट इज़ लाइक प्रीवियस डीलिंग. ठीक है, सो इसमें भी एक चीज़ लिखी हुई है, हाउएवर इन दिस केस 3 से 4 डील अगर हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स held to be insufficient to constitute a course of dealing. अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेगुलर डीलिंग चल रही है, रेगुलर डीलिंग का मतलब है हर दूसरे तीसरे महीने एक आधी डील होती जा रही है, 5 सालों में अगर 3 डील्स हुई हैं सो वो रेगुलर नहीं मानी जाएगी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रीवियस डीलिंग. ठीक है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. देर आता है, दी वर्डिंग्स मस्ट कवर लॉसेस अंडर दी कॉन्ट्रा प्रोफेंटम रूल. Proferentum rule, the courts interpret the words narrowly against the interest of the person seeking to rely the clause. एक बार इसका केस स्टडी देखते हैं, मेरे को इस लाइन से बिल्कुल समझ नहीं आया ये क्या बोलना चाह रहे हैं. सिक्योरिटी गार्ड बर्न डाउन द फैक्ट्री ही वॉज गार्डिंग, वेरी गुड. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिज एम्प्लॉयर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स लिमिटेड एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंजूरियस एक्ट एंड डिफॉल्ट ऑफ गार्ड. The clause was clear and unambiguous and effectively limited their liability even for the fundamental breach. इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिक्योरिटी गार्ड ने फैक्ट्री ही जला दी, द कॉन्ट्रैक्ट था उसके एम्प्लॉयज़ का और फैक्ट्री ओनर का, उसने लिमिट करा हुआ था एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंजूरियस एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ गार्ड के. उसने लिख दिया था कि अगर वैसे कोई डैमेज हो गया तो आई विल पे, लेकिन अगर गार्ड की वजह से कोई डिफॉल्ट हुआ तो गार्ड कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर गार्ड की वजह से कुछ भी हुआ तो आई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो उसने लिखा हुआ है क्लियरली, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द फैक्ट्री ओनर्स लिमिटेड एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंजूरियस एक्ट्स एंड डिफॉल्ट्स ऑफ गार्ड. द क्लॉज वॉज क्लियर एंड अनएम्बिगियस एंड इफेक्टिवली लिमिटेड देयर लाइबिलिटी इवन फॉर दिस फंडामेंटल ब्रीच, के इसमें एम्प्लॉयर पे केस नहीं हो सकता क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया था. दैट मीन्स उसने पहले ही बोल दिया था कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये क्लेम नहीं दूंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ओ माई गॉड वाला दिया था कि उसने पहले ही लिख दिया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ तो मैं कुछ भी पैसे नहीं दूंगा, सिंपल. अब इसके बाद गाया जाता है स्टैट्यूटरी रूल्स. अब इसमें काफ़ी सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, वो क्या बोलते हैं ये तुम्हारे को मैं अभी नहीं करा रहा, ये जब हम बाकी के चैप्टर्स पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सारे लॉज हमें आगे पढ़ने पड़ेंगे, तो वहाँ से जब हम पढ़ लेंगे और अगर नहीं भी पढ़े मैं तुम्हारे को तब ये करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक लॉ की लैंग्वेज है, बहुत स्पेसिफिक लॉ की लैंग्वेज है. अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो थोड़ा जनरल है, इसमें चीज़ें हालांकि बहुत स्पेसिफिक हैं बट वर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है वो काफ़ी जनरल है. तो भी धीरे धीरे जब हम स्पेसिफिक लॉस पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारे को मैं ये वाला टॉपिक करा दूंगा. ठीक है, तुम चाहो तो खुद पढ़ के देख सकते हो बट मैं तब तुम्हें करा दूंगा ये वाला पार्ट. तो ये यहाँ तक है, दिस पार्ट इज स्टिल हेयर, ये तुम्हारे को मैं उस टाइम पे करा दूंगा. ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विद डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. सो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना. ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ब्रॉट इन टू एन एंड बाय सेवरल वेज, देर आर डिफरेंट वेज. फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस,
सेकेंड इज़ बाय फ्रस्ट्रेशन एंड थर्ड इज़ बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी पढ़ेंगे. सो बाय परफॉर्मेंस दिस इज द वे इन विच मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज. बोथ पार्टी परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन अपनी पूरी कर ली और एक जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था वो ख़त्म हो गया. ख़त्म होना इज डिस्चार्ज का मतलब ख़त्म होना, कैंसिल करना नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं. अगर मैंने ऐसा बोला हो तो दैट इज़ रॉन्ग. डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना. सो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का पहला रूल होता है कि सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, सेल एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, सारी चीज़ें एज इट इज़ जो कंडीशंस थी वो पूरी हो गई. सेकंड इज़ बाय फ्रस्ट्रेशन वेयर द अदर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड इट्स बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट अब कभी भी परफॉर्म हो ही नहीं सकता, सो दैट इज़ बाय फ्रस्ट्रेशन. और थर्ड इज़ बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो बाय फ्रस्ट्रेशन, बाय परफॉर्मेंस और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंडीशन हमने या टर्म फुलफिल नहीं करी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो रहा है. सो व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन वन और मोर पार्टीज टू द एग्रीमेंट फेल्स टू कंप्लाई ईदर कंप्लीटली और सेटिस्फैक्टरीली विद द ऑब्लिगेशंस अंडर इट, मतलब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सो टाइप्स ऑफ ब्रीच, फर्स्ट इज़ एक्चुअल ब्रीच एंड सेकेंड इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच इज़ वेयर ब्रीच अकर्स ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस. जिस दिन काम करना था उस दिन काम नहीं करा तो वो तो एक्चुअल ब्रीच होगा. एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस. अ पार्टी शोज एन इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट इज़ रेफर टू रेन्यूकेशन. इसका मतलब रिनंसिएशन. सो इसका मतलब क्या होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच का, जैसे दो बंदों ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे ये सेल होनी है. सेल से एक दो हफ्ते पहले इस बंदे ने, ए ने मना कर दिया कि यार मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल नहीं कर सकता. लेट से ए ने उसको प्रॉपर्टी परचेज करनी थी बी से, ए ने बी से प्रॉपर्टी परचेज करनी थी और एक डेट फिक्स थी इनकी, जैसे 31 दिसंबर को इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज सेल करनी थी, सब कुछ करना था. हाँ, इसने कुछ एडवांस भी दिया हुआ है. 10 दिसंबर को ए ने बी को बोला कि यार मेरे पास जो पैसे थे ना, अब वो पैसे नहीं है, एक्चुअली मेरे पैसे सब चोरी हो गए, सब ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये घर नहीं खरीद सकता. दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच, कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले उसने अपनी इंटेंशन बता दी कि आई विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट दी कॉन्ट्रैक्ट. एंटिसिपेटरी ब्रीच मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड. एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन वन और मोर पार्टीज declares before the due date of performance that they have no intention of carrying out their contractual obligations. ठीक है, तो इसका एक केस पढ़ लेते हैं. In April, De La Tour employed Hotstar to act as a travel courier on his European tour starting 1st June. On 11th May, De La Tour wrote to Hotstar stating that he would no longer be needed for his services. Hotstar started proceeding on 22nd May. The defendant claimed that there would be no clause of action until 1st June. मतलब पहली जून से उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही उसको कैंसिल कर दिया. सो इसमें लिखा हुआ है, the claimant was entitled to start the action as soon as anticipatory breaches occurred. जो claimant है वो जिस दिन anticipatory breach हो गई उस दिन से वो क्या कहते हैं इंटाइटल है कि वो एक्शन कुछ भी ले सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है जो एक पार्टी ने कैंसिल किया है. ठीक है, इम्प्लाइड एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन वन और मोर पार्टीज डज समथिंग विच मेक सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरटेकिंग इम्पॉसिबल. के मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, केस तुम पढ़ लेना. जैसे सेम ए और बी है, सेम घर का एग्जाम्पल है. ए ने बी को बोला था कि मैं तुमसे घर परचेज करूँगा, ठीक है, आई विल बाय अ हाउस ऑन 31st December. अब हुआ क्या, ए ने इसको हाँ थोड़ा बहुत एडवांस भी दे दिया था. अब हुआ क्या, अग्रीमेंट होना था घर का, उससे 20 दिन पहले ए इंसॉल्वेंट हो गया. इसका बिजनेस तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया, सारा काम इसका ज़ीरो हो गया, इसका घर घुर बिक गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके बाद सारे पैसे ख़त्म हो गए इसके. अब इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि ए बी से घर कैसे परचेज करेगा, क्योंकि वो तो कंगाल हो गए. तो इट इज़ इम्प्लाइड
इम्प्लाइड एंटिसिपेटरी ब्रीच अकर्स व्हेन वन और मोर पार्टीज डज समथिंग जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, या फिर अगर बोलें कि ए देश छोड़ के भाग गया, ए इंडिया छोड़ के भाग गया, तो उस केस में क्या होगा। सो अब फैक्ट्स देख लेते हैं। द डिफेंडेंट एंड एग्रीड टू हायर अ शिप टू द क्लेमेंट बट बिफोर हायर पीरियड वॉज टू कमेंस ही एक्चुअली सोल्ड द शिप टू समवन। एक ने कुछ सामान दूसरे को सेल करने का अग्री किया था बट उस डेट से पहले ही उसने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। तो द सेल ऑफ द शिप अमाउंटेड टू अ क्लियर रेपुडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द क्लेमेंट कुड स्यू फॉर द ब्रीच फ्रॉम दैट डेट, के जिस डेट को उसने किसी और को बेच दिया था वो क्लेम कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ करा था। अब किसी और को तूने बेच दिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया ना, तो मेरा तो लॉस हुआ है। ठीक है, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। द इनोसेंट पार्टी हैज़ टू ऑप्शंस। पहला, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज एंड ब्रिंग एन एक्शन ऑफ डैमेजेस इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और इलेक्ट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल वैलिड, कंप्लीट हिज साइड ऑफ द बार्गेन एंड देन स्यू फॉर द पेमेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो तो जो क्लेमेंट है, जो बेसिकली जो पर्सन इनोसेंट पार्टी है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो जिस डेट को उसको पता चल जाए कि हाँ मैं अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, दूसरी पार्टी ने कुछ फ्रॉड करा है, कुछ भी करा है, उसी दिन वो उस पर को सू कर दे और डैमेजेस के लिए, या फिर वो अपना काम पूरा करे कि मैं तो भैया वहाँ गया था सेल दिन पे, मैं तो वहाँ पे अवेलेबल था, वो ही नहीं आया, और उसके बाद उसको सू कर ले। देर आर टू ऑप्शंस, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, ये एक बार पढ़ते हैं केस गाइस। McGraw contracted with the claimant to have advertisements placed on litter bins which were supplied to local authorities. The defendant wrote to the claimant asking them to cancel the contract. The claimant refused to cancel and produced and displayed the advertisement as required under the contract. Then they claimed a payment. मतलब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, दूसरी पार्टी ने बोला भैया मैं तो अपना पूरा काम करूंगा, मैं तो सारा जो मेरे को दिया गया टास्क करूंगा, एंड में पेमेंट मांगूंगा। सो द क्लेमेंट वर नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट द डिफेंडेंट्स रेपुडिएशन बट कुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द अग्रीड प्राइस। मतलब अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया अपनी मर्जी से बिना मुझसे डिस्कस करे, तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम पूरा करूँगा, मैंने बिन भी बनाए, मैंने सब कुछ करा, एवरीथिंग आई हैव डन, जो भी मेरा काम था, डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह सब कुछ कर दिए। एंड में शायद तुम्हारे को केस थोड़ा डिटेल में समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। ये एक बंदा है और ये तुम हो, एंड मतलब थोड़ा सा एग्जांपल मैं घुमा रहा हूँ। तुम्हारा काम क्या है, तुम जितने भी तुम्हारे एरिया में डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, जो रोड्स पे पिलर्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट करते हो पेंट वगैरह करके। यू काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट करते हो। इस बंदे ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम्हें इस बंदे के लिए 25-30 जगह एडवर्टीजमेंट करनी है, कुछ पैसे थोड़े बहुत एडवांस भी दे दिए, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा, सारी चीज़ें डिसाइडेड है। कुछ दिन बाद इसने बोला कि नहीं यार ये नहीं करना, दिस इज़ नॉट टू बी डन। ठीक है, अब तुमने हो सकता है थोड़ा बहुत काम कर लिया और प्रिंटिंग वगैरह कर लिया और सब कुछ कर लिया, तो ऑल दो यू कैन सेटल विद दैट पर्सन, बट हम अभी लॉ की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम अभी सेटलमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या, तुमने अब इस केस में वो क्या कह रहे हैं, तुमने जब उसने तुम्हें कैंसिल कर दिया, तुमने कहा भाई मेरी तरफ से तो काम मैं पूरा करूँगा, मैंने तो वो बना दिए, बैनर्स निकाल दिए, मैं तो पूरा काम करूँगा। तो तुमने क्या किया, तुमने सेम डे पे जो कॉन्ट्रैक्ट करना था, तुमने सारे बैनर्स जहाँ जहाँ लगाने थे वो लगा दिए, सारा काम कर दिया, और एट दी एंड इसके पास चले गए कि बैनर्स मैंने लगा दिए। इसने बोल दिया भाई मैंने तो तेरे को पहले ही मना कर दिया था, तो तुम चले गए अब कोर्ट में। तो ये वो केस है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, द क्लेमेंट वर नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट द डिफेंडेंट रेपुटेशन। मतलब क्लेमेंट हम ये ही इज़ नॉट ऑब्लाइज, मतलब इसको मैंडेटरी नहीं है कि उसकी कैंसिलेशन एक्सेप्ट करना, ही कुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द अग्रीड प्राइस। ठीक है, ये पढ़ लेना गाइस। अब आता है डैमेजेस। सो डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस आर अ कॉमन लॉ रेमेडी, दे आर अवेलेबल एज ऑफ राइट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो डैमेजेस तो मिलने चाहिए। Damages are intended to be compensatory, not punitive.
बेसिकली डैमेजेस तो कॉम्पेंसेटरी के लिए हैं, देने ही देने पड़ेंगे, दे आर नॉट प्यूनिटिव. प्यूनिटिव मीन्स कि दीज आर नॉट पनिशमेंट, कि हमें कुछ लॉफुल पनिशमेंट नहीं देनी उसको, हमें सिर्फ उसको डैमेजेस आर कॉम्पेंसेटरी, कि जो भी उसका डैमेज होगा उसको दो. अगर मैंने हम दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है और एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा, तो दूसरे बंदे को एज अ कॉम्पेंसेशन पैसे दो. बट ऐसा नहीं है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा, दैट्स नॉट द केस डैमेजेस के केस में. ठीक है, देन आता है लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी क्लॉजेस. वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड सम ऑन ब्रीच, इट मे ईदर बी लिक्विडेटेड डैमेज क्लॉज और अ पेनल्टी क्लॉज. एक बार इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस आर अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस. द अमाउंट स्टेटेड इज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेमेबल. द क्लॉज इज एनफोर्सिबल बाय कोर्ट. मतलब जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल घर का करा हुआ है, घर परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है ए ने और बी ने, इसने बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे को, जैसे ये है ए, ये है बी, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसने 1,00,000 का मोबाइल परचेज किया, ठीक है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी मोबाइल सेलिंग में. अब हुआ क्या, अभी वारंटी वगैरह वो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, एक टर्म्स एंड कंडीशन थी. वन कंडीशन वॉज दिस कि अगर ये मोबाइल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो इसको इसके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे और ये फ़ोन वापस देना पड़ेगा. अगर विद इन 15-20 डेज फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो इसको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे. सो दोज आर लिक्विडेटेड डैमेजेस, दीज आर जेन्युइन प्री एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, कि पता है कि अगर इतना लॉस होगा तो इतने पैसे उसको वापस मिल जाएंगे. द अमाउंट स्टेटेड इज द अमाउंट ऑफ डैमेजेस क्लेमेबल. द क्लॉज इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्लेमेंट सप्लाई डिफेंडेंट विद टायर्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच इम्पोज अ मिनिमम रिटेल प्राइस. द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट डिफेंडेंट हैड टू पे द क्लेमेंट £5 फॉर एवरी टायर दे सोल्ड इन ब्रीच ऑफ द प्राइस एग्रीमेंट. वेन द डिफेंडेंट सोल्ड टायर्स एट लेस देन द एग्रीमेंट मिनिमम प्राइस, दे रजिस्टर्ड द क्लेम फॉर £5 पर टायर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज रिप्रेजेंटेड अ पेनल्टी क्लॉज. द प्रोविजन वॉज जेन्युइन अटेम्प्ट टू फिक्स डैमेजेस एंड वॉज नॉट अ पेनल्टी, इट वॉज देयरफॉर एनफोर्सेबल. सो इतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लॉजिक क्या है इसका, सिंपल सा लॉजिक, अगर किसी भी चीज़ में अगर हमने लिखा हुआ है कि अगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हुई तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, सो दैट विल बी लिक्विडेटेड डैमेजेस जो फिक्स हैं और दिस इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. नेक्स्ट, अ पेनल्टी क्लॉज थ्रेटन्स लार्ज डैमेजेस फॉर ब्रीच. द अमाउंट इज ऑफन वेरी लार्ज इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेड लॉस, इट इज़ अनएनफोर्सेबल. अब पेनल्टी क्लॉज का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे पेनल्टी क्लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जस्ट एन एग्जांपल, इसका इन्होंने केस नहीं दिया हुआ, तो जैसे ए ने बी को कोई चीज़ सेल करी, ए ने बी को कोई चीज़ सेल करी, ठीक है, बी ने बोला, और लेट से £100 की इसने उसको सेल करी, बी ने बोला कि भाई अगर ये चीज़ ए ने बी को सेल करी और पैसे ले लिए, बी ने बोला अगर ये मेरी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई या इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं डबल अमाउंट वापस लूँगा, आई विल टेक डबल द अमाउंट सेल लेके, मैं पूरे £2,000 वापस लूँगा अगर इसमें कोई भी गड़बड़ निकली तो. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ जो हमारा एक क्लॉज होता है दैट इज़ कॉल्ड पेनल्टी क्लॉज. सो दिस इज नॉट, वी विल नॉट कॉल इट लिक्विडेटेड क्लॉज, लिक्विडेटेड डैमेजेस, दिस इज पेनल्टी क्लॉज, क्योंकि पेनल्टी क्लॉज की कुछ टर्म्स होती हैं वो भी हम नीचे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने ही बताया था कि ये पेनल्टी क्लॉज है, बट हमने कहा था दीज आर नॉट पेनल्टी क्लॉज क्योंकि उसने अमाउंट फिक्स कर दिया था. इस केस में भी उसने अमाउंट फिक्स कर दिया है बट इसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस की जगह पेनल्टी बोलेंगे. वाई, अ क्लॉज इज प्रिज्यूम टू बी अ पेनल्टी क्लॉज इफ द स्टिपुलेटेड सम इज एक्स्ट्रावेगेंट इन कंपैरिजन विद द मैक्सिमम लॉस दैट कुड बी इनकर्ड. कि जो सम हमने बताया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा जितना हमारा लॉस हो सकता है. द सेम सम इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ब्रीचेज.
बोथ ट्रिफलिंग एंड सीरियस, मतलब कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई, चाहे सीरियस थी चाहे नॉन सीरियस थी, तो इतना सम देना पड़ेगा, इतना ही सम देना पड़ेगा. और द सम स्टिपुलेटेड इज लार्जर देन द अमाउंट विच वुड हैव एक्चुअली बी पेबल इफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परफॉर्म्ड. कि अगर तो वो परचेज करता, ठीक है, 1,000 रुपये देने थे लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसको वापस 2,000 देने पड़ेंगे. दैट मीन्स एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था वो 1,000 था, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से उसने 2,000 पेनल्टी लगा दी, विच इज़ मोर देन दी कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पेनल्टी. डैमेजेस क्या होता है कि जैसे उसने बोला कि मेरे को 1,000 रुपये वापस कर या मेरे को 900 pounds वापस कर, दैट वुड बी लिक्विडेटेड डैमेजेस. लेकिन पेनल्टी क्लॉज मतलब कि जहाँ उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज़ अनएनफोर्सेबल. इसको हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते ऐसे क्लॉज को, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लिक्विडेट डैमेज. अब ऐसे तो मैं क्लॉज में लिख दूँ कि मेरे को 1,000 pounds की चीज़ थी, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो भाई मैं 20,000 pounds लूँगा, ठीक है, कुछ भी लिख दो. तो दिस इज़ अनएनफोर्सेबल इन लॉ, इसके अगेंस्ट हम केस नहीं कर सकते. ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा थोड़ा सा रह गया, तो छोटी सी वीडियो बनेगी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है गाइस, बाकी इस चैप्टर को कंप्लीट करके प्लीज़ आई वुड वांट ऑल ऑफ़ यू कि मुझे रेकमेंड करो कौन सा चैप्टर मैं आगे कराऊँ, बिकॉज काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा था कि सर पहले कंपनी लॉ करा देना, तो मुझे प्लीज़ बता दो. आई विल सी दी कमेंट्स एंड देन आई विल मेक दी अदर वीडियो, बट आई नीड इट इन 1 or 2 days मैक्स. ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ.